नमस्कार दोस्तों, टेक इज राइट की और एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों ये है Redmi Note 10 और आज मैं इस फ़ोन का फुल वाटर टेस्ट करने जा रहा हूँ। Xiaomi ने दोस्तों कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है ये फ़ोन वाटर प्रूफ है कि नहीं, क्योंकि मैंने जब इस फ़ोन का सिम ट्रे खुला है उसके अंदर मुझे एक रबर का कोटिंग देखने को मिला। ये इसलिए देता है दोस्तों क्योंकि फ़ोन के अंदर पानी आसानी से ना जा सके। तो मैं आज इस फ़ोन का फुल वाटर टेस्ट करूंगा। 2 मिनट के लिए इस फ़ोन को पानी के अंदर रख दूंगा और देखूंगा कौन सी पार्ट्स इसका डैमेज हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों ये है एक पानी का जार और इसके अंदर मैंने इस Redmi Note 10 को 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगा और ये फ़ोन बिल्कुल पानी के नीचे तक रहेगा। फ़ोन बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, फ़ोन बिल्कुल न्यू कंडीशन में है। 1 हफ्ता हुआ है मैंने इस फ़ोन को लिया हुआ है, फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ऊपर मैंने टाइमर का ऑप्शन दे दिया, आप टाइमर देख सकते हैं और अभी आप देख सकते हैं फोन पानी के अंदर जा रहा है। दोस्तों फोन पानी के अंदर पूरी तरह से जा चुका है लेकिन फोन अभी भी ऑन है और देखते हैं आगे चल के क्या होता है। फ़ोन का बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है क्योंकि फ़ोन की तरफ से कोई भी बबल्स नहीं निकल रहा है। जब कोई भी फ़ोन पानी के अंदर जाता है उसके अंदर से बबल निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन इस Redmi Note 10 की फ़ोन अंदर से कोई भी बबल्स अभी तक नहीं निकला और फ़ोन अभी भी वर्किंग कंडीशन में लग रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है अभी तक। दोस्तों इसी तरह की वीडियो बनाने में बहुत ही रिस्क लेना पड़ता है, तो आपसे एक निवेदन है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो आप कौन सी फ़ोन का वाटर टेस्ट या कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हो। दोस्तों 2 मिनट हो चुका है, मैंने फ़ोन को बाहर निकाल लिया। पहले मैं इस फ़ोन की ऊपर जो पानी है, ऊपर में जो पानी है उसको एक तोले से सुखा लूँगा, नहीं तो टच करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। फ़ोन का ऊपर जो पानी लगा हुआ था वो सुखा लिया मैंने। अभी फिंगरप्रिंट चेक कर लेता हूँ, फिंगरप्रिंट बहुत ही आराम से वर्क कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और टच वगैरह भी ठीक से काम कर रहा है, कोई भी तो अभी तक प्रॉब्लम नहीं आ रहा है दोस्तों। लेकिन इसका नेटवर्क चला गया, पता नहीं क्यों। दोस्तों पहले इसका कैमरा टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इस कैमरा लेंस के अंदर पानी भी जा सकता है। कैमरा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसके अंदर कोई भी पानी नहीं गया है और फ्रंट कैमरा भी मैंने चेक कर लिया है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है वो देख लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं सिम ट्रे के अंदर सिम के चारों तरफ बहुत ज़्यादा पानी आ गया, इसलिए इसका नेटवर्क आउट हो गया।
मैंने इस सिम ट्रे और सिम को सुखा लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए दोस्तों कितना पानी निकल रहा है फ़ोन के अंदर से, और लाउड स्पीकर और चार्जिंग पोर्ट से भी बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है। दोस्तों अभी देखते हैं नेटवर्क आता है कि नहीं। हाँ दोस्तों आप देख सकते हो नेटवर्क आ गया और वोल्टी भी ऑन हो गया। पहले इसका लाउड स्पीकर टेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि स्पीकर के अंदर पानी आसानी से जा सकता है। दोस्तों स्पीकर की अंदर पानी चला गया लेकिन मुझे लगता है ये सूखने के बाद ठीक हो जाएगा। क्रैकिंग साउंड आ रहा है। अभी दोस्तों इसका कॉल क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, फोन ठीक से जा रहा है कि नहीं, और ईयरपीस भी चेक कर लेता हूँ। दोस्तों कॉल बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, मैंने चेक कर लिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसका चार्जिंग पोर्ट चेक कर लेता हूँ। दोस्तों चार्जिंग पोर्ट भी काम कर रहा है और हेडफोन जैक भी एक बार चेक कर लेता हूँ। अब सुन सकते हो दोस्तों हेडफोन जैक भी ठीक से काम कर रहा है। तो दोस्तों मुझे लगता है ये फ़ोन पानी के अंदर से सर्वाइव कर गया। शाओमी ने तो ऑफिशियली कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि वाटरप्रूफ है कि नहीं, लेकिन इसके अंदर पानी चला गया, सिम ट्रे के अंदर से और स्पीकर की होल की से पानी फ़ोन के अंदर चला गया, लेकिन शॉकिंगली फ़ोन को कुछ नहीं हुआ है। और जो स्पीकर में जो क्रैकिंग साउंड आ रहा है मुझे लगता है वो कुछ दिन के बाद सूखने के बाद ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।